सुप्रिया सुले सर, सर महाराष्ट्र में एक महीने से आपने सबने देखा कैसी राजनीति चल रही थी, लेकिन मैं उस पे उसके पे बोलने खड़े नहीं हूँ। जब वो सारे टीवियों पे सारी चर्चाएं चल रही थी, मुझे एक चीज दिखाई दी। हम जब गाड़ी से निकल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, हमारे साथ कैमरे चलते थे। कैमरे चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टू व्हीलर पे कैमरा वाला चलता है, वो ड्राइवर जो होता है उसका हेलमेट होता है, जो पीछे कैमरामैन चलता है उसका इतना बड़ा, पहले उसका वजन होता है कैमरे का, उसके साथ वो साथ चलता है, अगर उसकी एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? मेरे ख्याल से हम सब ने सोचना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज इंपॉर्टेंट है, चैनल्स की जिम्मेदारी है, कॉम्पिटिशन है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन सारे रिपोर्टर 24 घंटे काम करते हैं, कभी 20 घंटे सारे कैमरामैन की। और हम सब ने, गडकरी जी ने जो रोड सेफ्टी बिल लाया था उसमें सेफ्टी के लिए बहुत प्राधान्य दिया था। हम सब ने सोच के बोलना चाहिए कि इस सारे जो कैमरामैन है वो आवरली बेसिस पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में हम सब ने भी सोचना चाहिए। जरूर ब्रेकिंग न्यूज करिए, कंपटीशन का जमाना, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हर रिपोर्टर का जो 24 घंटे यंग लड़कियां है, वो हमारे घर में सर रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक खड़ी रहती थी, ना टॉयलेट है ना खाने का ठिकाना है। तो इस सब में हम सब ने सोच के उन सब के लिए इधर कंपलसरी होना चाहिए कि इनको कुछ सोशल सिक्योरिटी मिले, नहीं तो कुछ इंश्योरेंस मिले, बट हर कैमरामैन और जो फील्ड पे रिपोर्टर होता है उन पे बहुत ओवर टाइम का चल रहा है, उनके लिए हम कुछ सोचना, हम सब ने कलेक्टिव सुझाव देने चाहिए।